हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ 7 PM। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल शाम के बज चुके हैं 7 और हमारा टाइम हो चुका है आज का रिव्यू करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, चेकआउट करते हैं आज का रिव्यूअर कौन है। तो फ्रेंड्स, आज का रिव्यूअर है जीएम का देसी दारू। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएम का देसी दारू संतरा वर्जन, मराठी में फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलेंगे संतर। जी हाँ फ्रेंड्स, संतर देसी दारू। चैनल पे अगर जो नए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो। आप लोग फ्रेंड्स पूरा वीडियो चेकआउट कर रहे हो, पर फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस, क्योंकि फ्रेंड्स 7 PM चैनल पे डेली का लिकर का रिव्यू फ्रेंड्स अपलोड होता है। और कोई भी चैनल पे फ्रेंड्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि डेली का इंडियन लिकर का रिव्यू अपलोड हो सके, पर फ्रेंड्स हम लोगों ने इसे पॉसिबल बनाया, बहुत सारे एफर्ट्स किए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का रिव्यू देसी दारू संतरा। तो फ्रेंड्स इसके अगर जो बॉटल की बात की जाए, तो फ्रेंड्स ये एक पैट बॉटल है 180 ml का फ्रेंड्स, और इसमें दो वर्जन और भी अवेलेबल है, 90 ml और 750 ml का पूरा खंबा। तो फ्रेंड्स मुझे यही अवेलेबल हुआ आज 180 ml का क्वार्टर, और एक पैट बॉटल है फ्रेंड्स प्लास्टिक का। इसकी अगर जो स्टिकर की बात की जाए, तो आगे एक ही स्टिकर है, पीछे जीएम का लोगो है, ऊपर भी एक जीएम का लोगो है, और ये मैन्युफैक्चर होता है विरार में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो प्लांट है उसको मैंने पर्सनली विजिट किया है फ्रेंड्स विरार में, जो जीवदानी माता का मंदिर है उसके जस्ट पहले ही आता है प्लांट जीएम का। जीएम में फ्रेंड्स बहुत सारे और भी इसमें जो वर्जन्स है, जैसे ब्लू हुआ या नारंगी हुआ या सॉफ्ट का फ्लेवर हुआ फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल है। जो अगर जो पॉसिबल हुआ तो फ्रेंड्स सारे वेरिएंट का रिव्यू फ्रेंड्स 7 PM चैनल पे आने वाला है। और आज सिर्फ हमको अवेलेबल हुआ संतरा, मीन्स संतरा का देसी दारू। तो चलिए फ्रेंड्स इसके स्पेसिफिकेशंस चेक कर लेते हैं जो भी है। इसके जो कंटेंट्स की अगर जो बात की जाए, तो ये जो पूरा स्टिकर है फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा ये लोकल लैंग्वेज में है, ये फ्रेंड्स पूरा ये मराठी में है। आपको फ्रेंड्स ये मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको ये मैं बताने वाला हूँ। कंटेंट्स की अगर जो बात की जाए, तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है कि पानी और अल्कोहल एंड आर्टिफिशियल टेस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया गया है, और प्रूफ की अगर जो बात की जाए, तो ये 75% का ही प्रूफ है, 42.8 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका स्ट्रेंथ है। और ये बॉटल हुआ है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि ये विरार में बॉटल हुआ है। प्राइस की अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये 70 का पैट बॉटल है। जी हाँ फ्रेंड्स, 70 rupees में आपको ये पैट बॉटल मिल जाने वाला है देसी दारू का। नॉर्थ वाले अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई 70 में तो हमारे यहाँ तो सारी जो अच्छी अच्छी ब्रांड्स के विस्की के क्वार्टर फ्रेंड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाने वाले, जैसे ऑल सीजन हुआ या बैरल सेक्ट हुआ या RC हुआ, इवन मैकेंटोश सिल्वर का भी 70 में क्वार्टर फ्रेंड्स आपको मिल जाता है। और महाराष्ट्र की अगर जो बात की जाए, तो फ्रेंड्स 70 में आपको मिलने वाला है ये देसी दारू का क्वार्टर, वो भी पैड बॉटल में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका भी पहले एक ये ग्लास बॉटल का वर्जन आता था, पर ये कोरोना के बाद ये लोगों ने टोटली ये प्लास्टिक का कर दिया है। कोरोना के पहले फ्रेंड्स ये सिर्फ 40 rupees में आती थी, और कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ और ठेके सारे जब शुरू हुए, तभी इसका प्राइस हो गया था 50 rupees। और अभी जब भी 2 दिन पहले इसको मैंने जब ये परचेज़ किया है फ्रेंड्स, तभी इसका प्राइस हो चुका था 70। तो फ्रेंड्स हर साल इसका प्राइस 10-20 rupees करके ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। और सामने जो क्वालिटी है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि कितना डिक्रीज़ कर चुका है, एकदम क्या बोलते हैं, एक अच्छी बॉटल आया करती थी फ्रेंड्स पहले, पर अभी ये देखो एकदम सी चिमड़ाई हुई, अभी से ये एक क्वार्टर आपको थमा देते 70 rupees में देसी दारू के नाम पे। ये एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो कृपया ना बढ़ाएं, इसका जो प्राइस है वो फिक्स कर दें 50 rupees पे, क्योंकि इस टाइप का जो लिकर का जो कंज्यूमर है फ्रेंड्स, वो हमेशा वो लेबर क्लास से आता है, और उन लोगों को डेली का 10-20 rupees ज़्यादा देना भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसका प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए, जो भी
ब्रांडेड जो विस्कीज़ है उसका प्राइस ठीक है 50-100 रुपये अगर जो बढ़ा भी देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, पर जो लेबर क्लास है फ्रेंड्स उन लोगों को 50 का 70 नहीं करना चाहिए। ये जो देसी दारू है उसका जो प्राइस है वो 50 पे फिक्स कर देना चाहिए, 50 पर क्वार्टर पे। और अगर इसके अगर जो क्वालिटी की अगर जो बात की जाए तो फ्रेंड्स ये भी एक IMFL प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये एक एकदम जो घटिया क्वालिटी का लीकर है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो जहरीली शराब आती है वो नहीं है फ्रेंड्स, ये एक ब्रांडेड कंपनी का लीकर है। पर इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये सिर्फ ये सिंगल डिस्टिल्ड है। आप लोग जो वोडकास्ट जो पीते हो, जो रोमानो हुआ या मैजिक मोमेंट्स हुआ या स्मर्नॉफ हुआ, वो फ्रेंड्स डबल ट्रिपल 4 टाइम डिस्टिल्ड होता है। इसलिए आपको उसका जो इम्प्योरिटीज़ है उसका आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। पर फ्रेंड्स ये जो लिकर है ये सिंगल डिस्टिल्ड होता है, इसके कारण इसमें जो इम्प्योरिटीज़ का जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, डेली का 1 क्वार्टर तक तो ठीक है, पर फिर इसके आगे अगर आप जाते हो तो नेक्स्ट डे फ्रेंड्स आपको हेडेक या और भी कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको अपने पोर कर लेते हैं, छोटा ही बनाएंगे, 60 का ही बनाएंगे, क्योंकि दारू बहुत ही महंगी है यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो अपने छोटा छोटा ही लगाएंगे, 60 60 का ही लगाएंगे, ज़्यादा कुछ। स्मेल की अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स बहुत ही स्पिरिटी स्मेल है एज यूजल फ्रेंड्स, ये एक सिंगल डिजिटल प्रोडक्ट है, तो इसमें जो स्मेल है और जो इसका जो कॉन्सनट्रेशन है वो फ्रेंड्स आपको हाई ही मिलने वाला है। और थोड़ा सा ये ऑरेंज का थोड़ा सा माइल्ड एक स्मेल आ रहा है, पर फ्रेंड्स ये ऐसा लिकर है भी नहीं कि जिसका आपको स्मेल चेक करना चाहिए या टेस्ट करना चाहिए, इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको पी लेना चाहिए। पर तो भी फ्रेंड्स इसको अपने सबसे पहले थोड़ा नीट सिप करके चेक कर लेते हैं। बहुत ही फ्रेंड्स ये स्पिरिटी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक सिंगल डिस्टिल्ड है, और इसमें जो अल्कोहल का जो कॉन्सनट्रेशन है फ्रेंड्स वो सेम ही है, पर ये सिंगल डिस्टिल्ड के कारण इसका जो पावर है, जो एक अल्कोहल का एक जो पंच है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा आपको फील होता है। और इसी कंपनी से फ्रेंड्स जो दूसरी कंपनियां से वो लोग लेकर परचेस करके उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स उस्टिल करके फिर आपको एक ग्लास की बॉटल में पैक करके फ्रेंड्स आप लोगों को भेज देती है, जिसको फिर ये लोग नाम दे देते हैं कि रोमानो है या मैजिक मोमेंट्स है या एप्सलूट वोडका है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली IMFL ही है, पर इसका जो डिस्टिलेशन है वो सिर्फ ये सिंगल टाइम हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा अपने इसका पानी ऐड करके देख लेते हैं कि पानी डालने के बाद इसका जो बिहेवियर है देसी का वो कैसा हो जाता है। थोड़ा मैं पानी ज़्यादा डालना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग लिकर मुझे लगा सिंगल डिस्टिलेशन की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा पानी डाल के सिप करते हैं। पानी डालने के बाद इसका जो अल्कोहल का एक जो पंच था वो ऑब्वियसली फ्रेंड्स थोड़ा बहुत ही कम हो चुका है, पर अभी भी इसको फ्रेंड्स एक मैं स्ट्रॉन्ग लिकर ही कहना चाहूँगा, देसी दारू ही कहना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो अल्कोहल का जो पंच है, मैंने लगभग 100 ml जितना मैंने पानी डाला है, 50 ml का ये था पहले, पर अभी भी फ्रेंड्स इसका जो पंच है, जो अल्कोहल का पंच है फ्रेंड्स वो ज़्यादा डिफर नहीं हुआ है फ्रेंड्स, वो अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो इसको आप बहुत सारा पानी डाल के पिए, और इसको फ्रेंड्स मैं ज़रा भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा कि इसको आप नीट कभी भी कंज्यूम करें, क्योंकि ये डेंजरस प्रैक्टिस है फ्रेंड्स कि नीट पीना कभी भी फ्रेंड्स, कोई भी लिकर हो, ये हो या कोई भी और भी लिकर हो फ्रेंड्स, कभी भी आपको नीट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसका जो कॉन्सनट्रेशन होता है फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट 42-43% का लिकर होता है। तो फ्रेंड्स इसको कभी भी आप कोई भी लिकर हो फ्रेंड्स कभी भी नीट आप ड्रिंक ना करें, उसमें पानी नहीं तो कम से कम सोडा तो प्लीज़ आप ऐड करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का रिव्यू GM का संतरा देसी दारू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 फ्रेंड्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। 7 PM चैनल एक अकेले ऐसा चैनल है फ्रेंड्स कि जिसमें डेली का
इंडियन लिकर रिव्यू का वीडियो अपलोड होता है फ्रेंड्स। और इस चैनल पे ऐसे लिकर का रिव्यू आता है फ्रेंड्स कि जिसका रिव्यू पूरे यूट्यूब पे क्या कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। अगर जो अवेलेबल है तो भी वो 2 साल 4 साल या 7 साल पुराने जो रिव्यू है वो नहीं फ्रेंड्स। अभी का जो रेसिपी है 2022 का एंडिंग का जो रेसिपी है और उसका जो पूरा जो स्पेसिफिकेशन है वो फ्रेंड्स 7 PM चैनल पे अवेलेबल होता है और वो भी डेली बेसिस पे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में 7 PM। टिल देन फ्रेंड्स चीयर्स।